गोपालगंज में धूमधाम से मनाया गया नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का 11वां स्थापना दिवस। शहर के अरार मोड़ स्थित एनबीपीडीसीएल भवन को आकर्षक नीले रंग की रोशनी से सजाया गया और यहां कई आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस स्थापना दिवस के अवसर पर गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी अभिषेक रंजन, एडीएम आशीष सिन्हा, एसडीएम प्रदीप कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि एक समय था कि पूरा गांव और शहर अंधेरे में रहता था। कभी कभी बिजली आती थी तो खुशी मिलती थी, और आज कब बिजली जाती है इसका पता ही नहीं चलता है। आंधी तूफान में जहां हम लोग अपने घरों में छुपकर बैठे रहते हैं, वहीं हमारे विद्युत के अधिकारी कर्मी क्षति हुए बिजली के तार और पोल को ठीक करने में लगे रहते हैं। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मियों और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे यहां 925 करोड़ की लागत से जिले में 4 विद्युत सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जिससे करीब 17 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावे सिवान और बेतिया जिले के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। ये गोपालगंज के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विद्युत विभाग के समस्त पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके एक एक ऐसे कर्मी जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जो मैंने आंकड़ों को देखा है, करीब 925 करोड़ की योजनाओं की लागत से हमारे यहाँ योजनाएं सैंक्शन हुई हैं और कार्य हुआ है अभी तक। और एक बड़ी बात है कि विद्युत विभाग से अनुरोध करने पर उन्होंने जिला के पश्चिमी भाग में जो भोरे कटिया का बॉर्डर है हमारा, करीब 125 करोड़ की लागत से एक बड़ी योजना का सैंक्शन उन्होंने किया, जहां पे कार्य जारी है, जिससे कि हमारे ज़िले के पश्चिमी इलाकों में कभी बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी और बगल के ज़िलों को भी वहां से बिजली मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए मैं पुनः उन्हें शुभकामनाएँ बता दूँगा। सब स्टेशन भी बनाया जाए, 4 पावर सब स्टेशन के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आया है और उसको हम 10 दिनों के अंदर में ज़मीन दे रहे हैं, ताकि वहाँ त्वरित गति से कार्य हो सके और यहाँ के लोगों को अनिर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो सके। इससे समझ लीजिए कि लगभग ज़िले का जो हमारा बड़ा सा पावर स्टेशन बन रहा है, उससे लगभग ज़िले का आधे लोग, करीब 16 से 17 लाख लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हथुआ सब डिवीज़न के जितने भी हमारे ब्लॉक हैं सभी को उससे फ़ायदा मिलेगा। साथ ही सिवान हमारा बॉर्डर पे है, बेतिया में हमें ले जाना पड़ेगा, कुचाईकोट में हमें फ़ायदा मिलेगा, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, करीब 20 लाख से अधिक लोगों को फ़ायदा मिलेगा। 2012 में जब हम बिजली का इंतजार करते थे, आज हमें 24 घंटे बिजली मिलती है, कटती है तो लगता है कट गई, सब क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए मैं समस्त बिजली विभाग के अधिकारियों को एवं उनके कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं कि हम सभी लोगों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति हो पाती है और आज 24 घंटा बिजली रह रही है। अब अगले चरण में भी बिजली विभाग काम कर रहा है, जहाँ कि हम लोग इंसुलेटेड वायर डालेंगे, जो अभी कई जगहों पे नंगा वायर है, जिससे कि दिक्कतें होती हैं, तो शहरों में इसका कार्य शुरू हो चुका है और गांव में हम लोग फिर इसको अगले चरण में प्रवेश करेंगे। स्मार्ट मीटर भी आ गया है और स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी लोगों में देखा जाता है कि साथ है, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं स्मार्ट मीटर? देखिए, स्मार्ट मीटर पहले हम लोगों के पास शिकायतें रहती थी कि बिजली विभाग के पास लोग आते थे कि हमारा बिजली बिल बढ़ गया, हमारा इतने दिनों के बाद आ रहा है, 6 महीने के बाद आ रहा है, हम गरीब हैं, हम कहाँ से पैसा देंगे। तो स्मार्ट मीटर का एक ही काम है कि आप जितनी बिजली खपत करेंगे उतना ही बिजली का आपको बिल आएगा, सबसे बड़ी बात है। उसमें मीटर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी लोगों के साथ है, ये बड़ी बात है। दूसरा उसका लाभ है कि आप रिचार्ज उसको करते रहिए सही समय पे, महीने महीने करते रहिए, तो आपको एक साथ बिल आने की संभावना नहीं है। हाँ, एक तो ज़रूर है कि आप बिजली कटने की संभावना रहती है, लेकिन उसमें भी विभाग ने कई इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि हम तुरंत नहीं काटेंगे, हम मौका देंगे, कई चीज़ें हैं। लेकिन आम जनों के लिए ये सुविधाजनक है कि आपके बिजली के मीटर से कोई दूसरा टोका नहीं फंसा सकता है, आपको गलत बिल नहीं आ सकता है, आपको सही समय पे बिल आएगा ताकि आप उतना भुगतान कर सकते हैं, आपको मीटर में सारी चीज़ें दिखेगी कि आप कौन सा उपकरण चलाने पे कितना आपका कंजम्पशन है, तो इससे आपको बिजली बचत में सुविधा होगी।